बाजी नहीं आई? क्या हुआ साहब, बाजी खुश तो है ना? हैं? पता नहीं जी, दिल पे मत लो साहब, बाजी ने साहब के साथ अच्छा किया है, अल्लाह उनके साथ भी अच्छा करेगा। मामू जान का फोन है। उन्हें क्या पता चल गया? नहीं नहीं, दुल्हन का फोन मेरे पास है ना। इस मामले को डील करो प्लीज। मैं करती हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ। यहाँ से भी मैं ही बोल रही हूँ। जरा गयासुद्दीन से बात कराओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। उनसे कहना कि उनके मामू जान पिछले 2 घंटे से तुम्हारी लॉबी में अपनी बच्ची को मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो बच्ची अब हमारे घर की बहू है, तैयार हो रही है, और वैसे भी अगर उसके ससुर की तबीयत ठीक होगी तो ले आएगा ना शिरोज उसे। देखो, शादी के दूसरे दिन हर दुल्हन मैके आती है। जी तो अब यही उसका मैका है, यही उसका घर है ना। खुदा हाफिज। आप चले आए अकेले है? वो मसरूफ थी। मसरूफ थी या पाबंद थी? भाई कुछ भी समझो। मैंने कुछ नहीं समझना, समझना आपको चाहिए था। कहां फंसा दिया हमें, कहां फंसा दिया मेरी बच्ची को। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बच्ची उनकी है। बच्ची मेरी है, सिर्फ बीज उनका है, जमीन मेरी। इस फसल को पानी, खाद, मट्टी मैंने दी है, मैंने देके तैयार किया इस फसल को। उनकी कहां से हो गई? सफिया बेगम, होश से काम, होश से। बेटियों के घर ऐसे बसते हैं? घर ऐसे बसते हैं या कैद खाने ऐसे बसते हैं? हां करते। 100 बार आपको मना किया था, मत दीजिए बच्ची को वहाँ। ये जालिम लोग हैं, क्या सुलूक कर रहे होंगे उसको। कौन तरसा देंगे हमें अपनी बच्ची से मिलने के लिए? सनाउल्लाह साहब, आपको समझ नहीं आई, 100 दफा मना किया था आपको। अरे उसके बाप से तो पूछना था। ये जालिम लोग हैं, क्या सुलूक कर रहे होंगे उसको। कौन, अरे अल्लाह नानी, कैसी होगी मेरी बच्ची? प्लीज संभाल अपने आप को, सब अच्छा होगा नानी, कुछ नहीं होगा दानिया को। प्लीज हौसला करें। तुम नहीं जानती उन्हें, बहुत जालिम लोग हैं। हमें बच्ची से मिलने नहीं देंगे, अपनी दानिया से मिलने नहीं देंगे। हम कहाँ जाएंगे, कैसे? नानी प्लीज संभाले अपने आप को, सब अच्छा होगा। कैसा सुलूक कर रहे होंगे उसके साथ, किस हाल में होगी वो? नानी हौसला करें, कुछ नहीं होगा।